बॉलीवुड की रॉयल बिटिया सारा अली खान की एक गलती उन पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इस गलती का खामियाजा उन्हें अपने करियर में नुकसान से उठाना पड़ सकता है। आज शायद सारा को हो रहा है रिग्रेट कि पापा सैफ अली खान की बात मान लेती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इस गलती का फायदा उठा ले जाएंगी बॉलीवुड में उन्हीं के साथ डेब्यू करने वाली श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर। जी हाँ, और इस रिग्रेट का रीजन है जाह्नवी की फिल्म धड़क का ये पोस्टर। और इसी पोस्टर ने सारा के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। दरअसल सारा अली खान डेब्यू करने जा रही हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से ऑपोजिट सुशांत सिंह राजपूत। और इस फिल्म के दौरान सारा से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया गया है कि जब तक उनकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होकर रिलीज नहीं हो जाती तब तक सारा कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकती, विच इज 2018। ऑन द अदर हैंड, जाह्नवी की फिल्म धड़क के पोस्टर को जहां जोर शोर से लॉन्च किया गया है, वहीं इस फिल्म के कम्प्लीशन के फौरन बाद जाह्नवी करेंगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में काम अपोजिट टाइगर श्रॉफ। और जब तक जाह्नवी की दो फिल्में रिलीज हो जाएंगी, और क्योंकि दोनों ही फिल्में करण जौहर की हैं, तो जाहिर है करण विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक बोथ द फिल्म्स सक्सेसफुल। अब ऐसे में सारा के लिए तो मुसीबत हो ही गई ना। पहली तो यही कि ये दोनों ही फिल्में सारा को ऑफर की गई थी जिसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, और दूसरा जाह्नवी की दो फिल्में सुपरहिट हो गईं तो बॉलीवुड में उनकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, विच इज अ डेंजरस साइन फॉर सारा। और अब तो सारा की मम्मी यानी अमृता सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो इस मामले में अभिषेक कपूर से डिस्कस भी कर चुकी हैं। दूसरी तरफ सारा का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एकता कपूर को उन्हें काम डाउन करने के लिए मंदिर ले जाना पड़ा है। शुरुआत तो वाकई अच्छी नहीं है, क्योंकि करण जौहर की वजह से जो रिस्पांस जाह्नवी और ईशान की फिल्म धड़क को मिल रहा है, उससे दूर दूर तक सारा की फिल्म केदारनाथ का नाम नहीं है। ऐसे में कहीं ये सारा के करियर की सबसे बड़ी गलती बनकर ना रह जाए।